नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा, केंद्र और राज्य सरकार की टीम बनाकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाना संभव है या नहीं। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां जनसंख्या की स्थिति में कुप्रभाव को लेकर डेनियल दानिश की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव से पूछा है कि वह सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएं कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम बनाकर साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा आदि क्षेत्रों में अवैध प्रवासी का पता लगाना संभव है या नहीं। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर निर्धारित की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दरअसल पूर्व में कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा।